निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? भारत छोड़ो आंदोलन पता ही आपको, 8 अगस्त 1942 से प्रारंभ हुआ था। अब चार स्वतंत्रता सेनानी है, इसमें प्रश्न ये है कि इसमें कौन ऐसा है चारों में जो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है। देख लीजिए, एक है मातंगिनी हाजरा, दूसरा कनक लता बरुआ, सी है अरुणा आशफ अली और चौथा है डी शांति घोष। तो इसका उत्तर होगा डी शांति घोष। थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। शांति घोष के जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 20 नवंबर कलकत्ता में हुआ था। इनके पिताजी देवेंद्र नाथ घोष जो एक की एक प्रोफेसर थे। जब शांति घोष 8वीं में पढ़ रही थी, कोमिला के फैजुन्निसा बालिका विद्यालय में 8वीं की छात्रा थी, तो इनके एक फ्रेंड थी सुनीति चौधरी। उन्नीस को एक अंग्रेज कलेक्टर, त्रिपुरा के अंग्रेज कलेक्टर बीजी स्टीवेंसन को क्या किया? गोली से उड़ा दिया। 14 दिसंबर 1931 को इनको इन दोनों लोगों ने मिलके, शांति घोष और सुनीति चौधरी दोनों लोगों ने मिलके क्या किया? कलेक्टर को उड़ा दिया, हत्या कर दी। उसके बाद इनको उसी जगह से गिरफ्तार कर लिया गया। सुनीति चौधरी और शांति घोष दोनों लोग क्या किए? गए कलेक्टर के ऑफिस पे, वहाँ पे जो गेट पे खड़े थे गेटमैन, उनसे बोला कि हमें कलेक्टर से मिलना है। तो गेटमैन बोले कि नहीं कलेक्टर साहब, ऐसे छोटे बच्चों से नहीं मिलते। इन्होंने क्या किया? काफ़ी प्रेस किया कि अरे भाई मिलवा दीजिए, हमें बहुत ज़रूरी काम है। उसके बाद वो लेके गया और जैसे ही कलेक्टर को देखा, इन लोगों ने क्या किया? गोली से उड़ा दिया उसको। अचूक निशाना था, वहीं वो मारा गया। उसके बाद इन लोग को गिरफ्तार कर लिया गया। 27 फरवरी 1932 को इन लोगों को आमरण काला पानी की सजा दी गई। क्यों? क्योंकि इनको उम्र कम थी, इस वजह से इनको फांसी नहीं दिया गया। आमरण काला पानी की सजा इनको दी गई। 1939 में गांधी जी के प्रयासों की वजह से इनको फिर से जेल से छोड़ दिया गया, रिहा कर दिया गया और फिर ये वापिस अपने क्या हुई आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू किया। तो ये इस जो 8 अगस्त 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन है, इसमें इन्होंने, इससे इनका संबंध नहीं है। अब इनका देख लेते हैं, मातंगिनी हाजरा की, तो इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 19 अक्टूबर 1870 को कलकत्ता के तामलुक रीजन में हुआ था। उस समय ये बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। कम उम्र में इनकी शादी हो गई। उसके बाद इनके जो हस्बैंड थे वो क्या हुए? एक्सपायर कर गए, जो कि 60 साल के थे। उसके बाद क्या हुआ? इनके ससुराल वालों ने इनको घर से भगा दिया। ये उसके बाद उसी गांव में एक झोपड़ी डाल के रहने लगी और पूरे गांव के लोगों की सेवा करने की वजह से पूरे गांव के लोग इनको अम्मा के नाम से बुलाते थे। इन्होंने 1933 में तामलुक रीजन के अंदर बंगाल का गवर्नर जनरल जो था जॉन एंडरसन, वो आया हुआ था। इन्होंने उसके खिलाफ क्या किया? उसके खिलाफ इन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ झंडे दिखाए और नारे लगाए। उसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया और 6 माह के लिए इनको वहां से मुर्शिदाबाद जेल भेज दिया गया। 8 सितंबर 1942 को तामलुक रीजन में
प्रदर्शनकारियों पे अंग्रेज पुलिस ने गोली चला दी, जिसके वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद मातंगिनी हाजरा ने गांव गांव में घूम के, तामलुक रीजन के क्षेत्र में जो गांव थे उसमें घूम के उन्होंने क्या किया, लोगों को प्रदर्शन के लिए बुलाया और 5,000 से ज़्यादा लोगों को क्या किया, इन्होंने इकट्ठा कर दिया। 29 सितंबर का दिन था, तामलुक में सरकारी डाक बंगले पे एक ऊंचे से चबूतरे पे खड़ा होके क्या कर रही थी, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नारे लगा रही थी। फिर अंग्रेज पुलिस ने 29 सितंबर 1942 को क्या किया, इनके ऊपर गोली चला के इनको शहीद कर दिया। तो ये भी आपको पता चल गया, ये 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, ये उसमें भागीदार रहीं। कनक लता बरुआ की बात की जाए तो ये असम की रहने वाली थी, इनको शहीद और वीर बाला के नाम से जाना जाता है। 22 दिसंबर 1924 को इनका जो असम के दरांग जिले में, अविभाजित जो पहले दरांग था उस जिले में इनका जन्म हुआ था, कनक लता बरुआ, 22 दिसंबर 1924 को इनका जन्म हुआ था। इन्हें शहीद या वीर बाला के नाम से भी जाना जाता है। ये 20 सितंबर 1942 को इन्होंने डिसाइड किया। हाँ, बेसिक चीज, एक चीज और जान लीजिए, ये जब इन्होंने अपने को क्या किया, एक दस्ता था मौत का दस्ता जिसका नाम था मृत्यु वाहिनी, उसी से जुड़ी हुई थी, मौत डेथ स्क्वाड उसको बोलते थे। इन्होंने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगी, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के पे जाके भारत का झंडा फहराएंगी, और उसी के लिए इन्होंने 20 सितंबर 1942 को बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया, निहत्थे लोग थे, और उनके साथ चल दी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे झंडा फहराने। वहाँ पे जो पुलिस स्टेशन इंचार्ज था उसने इनको रोकने के लिए बोला, ये नहीं मानी, भारत का झंडा लिए हुए आगे बढ़ रही थी। क्या हुआ, पुलिस ने इनको गोलियों से छलनी कर दिया और इनको शहीद कर दिया। जन्म 22 दिसंबर 1924 और इनकी मृत्यु 20 सितंबर 1942 को। और ना आसफ अली के बारे में जान लेते हैं, जुलाई 1909 को पंजाब के कालका नामक स्थान पे हुआ था, जो वर्तमान समय में ये जगह हरियाणा स्टेट के अंदर है, वहीं पे ये एक बंगाली ब्राह्मण परिवार के घर में इनका जन्म हुआ था। शुरुआती नाम इनका अरुणा गांगुली था इनके पिताजी का, नैनीताल में होटल भी था, और वहीं पे ये इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा हुई वो नैनीताल के अंदर हुई। आगे की पढ़ाई इन्होंने लाहौर से किया, और उसके बाद क्या किया इन्होंने, अध्यापन का कार्य कलकत्ता में करने लगी। गोखले मेमोरियल कॉलेज में ये पढ़ाती थी। इनका विवाह 1928 में इलाहाबाद में कांग्रेस के एक नेता थे, जो वर्तमान समय जिसको प्रयागराज बोलते हैं, वहीं पे कांग्रेस के नेता थे जिनका नाम था आसफ अली। 1928 में उनसे इनका विवाह हो गया। अब बात करते हैं आज़ादी की लड़ाई 1930-1931
1941 में जेल भी गईं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब कांग्रेस के सभी बड़े लीडरों को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, तब इन्होंने मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा लहराया था। इसके वजह से इनको बहुत ज़्यादा ख्याति मिली। 1942 में अंग्रेज पुलिस ने इनके खिलाफ वारंट, गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। ये गिरफ्तार नहीं हुई और छुप छुप के क्या किया इन्होंने, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेती रहीं, अपना काम करती रहीं। 1942 से 1946 तक ये गुप्त रूप से क्या करती थी, आज़ादी की लड़ाई के लिए अपने प्रयास जारी रखी। यहाँ तक कि अंग्रेजों ने इनके सारे संपत्ति को जब्त करके बेच भी दिया, फिर भी ये अंग्रेज पुलिस के सामने समर्पण इन्होंने नहीं किया। 1958 में ये दिल्ली की पहली मेयर चुनी गई। अवार्ड की बात करें तो इनको 1975 में लेनिन अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1991 में इनको ज्ञान के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार दिया गया, पद्म विभूषण भी इनको दिया गया, और मृत्यु उपरांत इनको 1997 में इनको भारत रत्न भी दिया गया। मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु हुई 29 जुलाई 1996 को।